नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट नाइन में आपका स्वागत है। पुणे के भीमा कोरेगांव से भड़की हिंसा के आरोपी और गुजरात से हाल ही में विधायक चुने गए दलित नेता जिग्नेश मेवाणी इस घटना के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। मेवाणी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दलित नेता मेवाणी ने दावा किया कि ना तो वो कोरेगांव गए, ना ही भाषण दिया, तो फिर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला क्यों दर्ज किया गया। हालांकि मीडिया में मेवाणी के कोरेगांव में होने की तस्वीरें आम हैं, वहीं पुलिस भी दावा कर रही है कि मेवाणी कोरेगांव में मौजूद थे। जहां तक मेवाणी की बात है तो उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी और आरएसएस को उनसे खतरा है, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मेवाणी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद ही ऊना, सहारनपुर और अब भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें दलितों को निशाना बनाया गया है। इसके बावजूद पीएम चुप हैं। अपने आगे के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिग्नेश ने कहा कि 9 जनवरी को दिल्ली में वो युवा हुंकार रैली करने जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जाएंगे। उनके एक हाथ में मनुस्मृति होगी और दूसरे हाथ में संविधान होगा। ऊना हो, सहारनपुर हो, रोहित वेमुला का एपिसोड हो या भीमा कोरेगांव की हिंसा हो, अब इस देश को प्रधानमंत्री को कुछ तो मुंह खोलना पड़ेगा। अब इस देश में सोशल जस्टिस को इंश्योर करना पड़ेगा, जाति निर्मूलन की बात करनी पड़ेगी। दलितों को इस प्रकार से टारगेट करना नहीं चलेगा, बहुत ही गलत है। इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। और मैं तो भीमा कोरेगांव गया ही नहीं, मैंने कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने बंद कॉल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बावजूद उसके इस प्रकार का बचकाना एफआईआर करके मेरी इमेज को टार्निश करने की ऐसी चाइल्डिश कोशिश करेगी तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। 2019 में जिग्नेश मेवाणी, उनको भारी पड़ने वाला, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, कानून और संविधान के दायरे में रहकर। उनकी समझदारी के लिए मैं अपनी समझदारी खराब नहीं करूंगा। आरएसएस का नाम लेकर या अन्य किसी संस्थान का नाम लेकर वो अपनी कमजोरी छुपा नहीं सकते। आरएसएस पर बेबुनियाद आरोप है, आरएसएस पर आरोप लगाकर वो चाहते हैं अपने को बचाना, तो ऐसा संभव नहीं है। उनको देश को जवाब देना होगा कि हिंसा के पीछे उन्होंने क्या किया है। जिग्नेश मेवाणी के मत से हम सहमत नहीं है, वो सुनकर आया है, हमारे दलित समाज का अच्छा नौजवान लीडर है, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने समाज में भड़काऊ भाषण करके दो समाज में मतलब संघर्ष निर्माण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और इसमें बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर इसकी जांच हो जाएगी तो उसमें बीजेपी का हाथ है कि कांग्रेस का हाथ है कि और किसका हाथ है, ये भी मालूम हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसकी जुडिशियल जांच हो रही है। 31 दिसंबर को शनिवार वाड़ा में एल्गार एक कार्यक्रम हुआ था, इसमें जिग्नेश और उमर खालिद आए थे। उस वक्त उन्होंने कुछ स्पीच दिया था, इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। मिस्टर बिक्कर हैज लॉज विद कंप्लेंट विद और विश्रामबाग पुलिस स्टेशन, और उस वक्त वो जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी वो हमने वेरीफाई की है उसमें, और 154 सीआरपीसी के अंडर उन्होंने कंप्लेंट देने की वजह से हमने इसमें ऑफेंस दर्ज किया है। इस बीच भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी संभाजी भिड़े पहली बार मीडिया के सामने आए। संभाजी ने हिंसा फैलाने की घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया। संभाजी ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अपने देशाला अतिशय कलंकभूत असं घडले, तर त्याचं मुळात जाऊन हे पाप पुराच्या पोटी जन्माला आलं ते शोधून काढावं। महाराष्ट्र शासनाने, सीबीआयने आणि जो दोषी असेल, भले मी दोषी असेल, तो जी कठोरातली कठोर शिक्षा, म्हणजे देहांत। भीमा कोरेगांव में हिंसा फैलाने के मामले में पुणे के पिंपरी पुलिस थाने में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस ने संभाजी भिड़े के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के सांगली गांव में लोग उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं। संभाजी शिव प्रतिष्ठान नाम का संगठन भी चलाते हैं और युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। कहा यह जाता है कि आम से दिखने वाले संभाजी के एक इशारे पर लाखों युवा इकट्ठा हो सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब संभाजी का नाम हिंसा से जुड़ा हो। इसके पहले 85 साल के संभाजी भिड़े उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब 2008 में फिल्म जोधा अकबर के खिलाफ उनके समर्थकों ने कई थिएटर्स में तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा 2009 में उन्होंने सांगली जिले में एक गणेश पंडाल में अफजल खान का रोल करने पर कलाकारों को रोक दिया था।